जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट यानी कि MPHC स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और 3, इसके अलावा असिस्टेंट ग्रेड 3 सिलेबस 2021 के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, और उसके बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के से पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि MP हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर 12 नवंबर 2021 का ये अपडेट है, जहां पर आपको नोटिफिकेशन की जानकारी दी गई है। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि किन किन पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली है। मैं आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न बताने से पहले इसके बारे में पूरी जानकारी दे दूं कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता न पड़े। तो यहां पर बात करें इंपोर्टेंट डेट्स की, आप लोग ये फॉर्म 30 नवंबर 2021 से लेकर के 30 दिसंबर 2021 तक भर पाएंगे। अभी यहां पर दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप चाहते हैं कि जब आपका 30 नवंबर 2021 को अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो, मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आपके इस बारे में कमेंट आएंगे तो आपको लिंक एक्टिवेट होते ही फॉर्म फिलअप की वीडियो मिल जाएगी। अभी यहां पर दोस्तों फीस जमा करने के लिए भी आपकी डेट 30 दिसंबर 2021 ही रखी गई है। एग्जाम की डेट आपको टाइम आने पर बता दी जाएगी। इसके अलावा अब आपकी एप्लीकेशन फीस आती है, तो अप्लाई करने के लिए जनरल और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं इनके लिए 777.02 एप्लीकेशन फीस रखी है। SC ST OBC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 577 एप्लीकेशन फीस रखी गई है, जो कि आप ऑनलाइन माध्यम से जमा कर पाएंगे। अब आती है आपकी एज लिमिट। तो यहां पर दोस्तों जो आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी, ये आपकी 1 जनवरी 2021 तक काउंट की जाएगी, जिसमें कि मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है। साथ ही आपको बता दूं कि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट यहां पर दी जाएगी। बस जो मध्य प्रदेश के हैं उन्हीं को ये मिलेगी, क्योंकि अन्य स्टेट के कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाएंगे। टोटल वैकेंसी आपकी 1255 है। अब आप ये देख लीजिए कि किस पोस्ट के लिए कितने पद है। तो यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 108 पद है। इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री मांगी है किसी भी स्ट्रीम में, यानी कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया है किसी भी स्ट्रीम में किसी भी सब्जेक्ट में, आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही जो सेकेंड क्वालिफिकेशन है इसमें, वो है आपका CPCT स्कोर कार्ड रिक्वायर्ड, ये आपसे मांगा है। इसके अलावा हिंदी शॉर्ट हैंड आपका 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स भी होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट पर पूरी तरीके से एलिजिबल हो पाओगे अप्लाई करने के लिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए 205 पोस्ट है। इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे सेम क्वालिफिकेशन ही मांगी है, जो कि आपसे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट पर मांगी है। बट यहां पर जो आपका हिंदी शॉर्ट हैंड है इसमें आपको छूट दी गई है, यानी कि 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से भी आप यहां पर इसको फॉर्म को भर पाएंगे। फिर आता है आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ। इस पर अप्लाई करने के लिए भी आपसे सेम ही क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अब आता है असिस्टेंट ग्रेड 3, इसके लिए 910 पद है। अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री, यानी कि आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी भी स्ट्रीम में। CPCT स्कोर कार्ड मांगा है, इसमें आपसे 1 साल का यानी कि कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगा है, यानी कि अगर बात करें तो आपका हिंदी शॉर्ट हैंड इसमें कंपलसरी नहीं है। असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोविंग के लिए 21 पद है। अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री, CPCT स्कोर कार्ड, इंग्लिश शॉर्ट हैंड मांगा है, जो कि 80 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए, और साथ ही आपका 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट यहां पर आपको बोला आपके पास होना चाहिए। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल आप यहां पर देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट में जो टोटल वैकेंसी है वो किस कैटेगरी में कितनी रखी गई है। तो यहां पर ये सब जानकारी आपको दी गई है। पूरी की पूरी जानकारी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी चेक कर सकते हैं, जो जानकारी मैंने अभी आपको दी है। आप यहां पर सैलरी जान लीजिए कि कौन सी पोस्ट पर आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। तो जो आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट है, इस पर आपको 5,200 रुपये से लेकर 20,200, साथ ही आपको 2,800 रुपये का ग्रेड पे दिया जाएगा। फिर जो ग्रेड 3 की पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, इस पर आपको सेम सैलरी दी जाएगी, बस आपको ग्रेड पे 2,400 रुपये का दिया जाएगा। असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट पर भी आपको सेम सैलरी, बट आपका ग्रेड पे 1,900 रुपये होने वाला है। असिस्टेंट ग्रेड 3 जो आपकी दूसरी पोस्ट है, इस पर भी आपको सेम सैलरी मिलेगी, और जो आपका ग्रेड पे है ये 1,900 रुपये का आपका होने वाला है। तो यहां पर आपने बेसिकली इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ऑफिशियली यहां से देख ली है। अभी मैं बात करने वाला हूं आपके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में, जो कि इसका ऑफिशियल सिलेबस होने वाला है। तो यहां पर दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है।
तो इसमें बात करें एग्जाम पैटर्न की या फिर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपको बोला है कि सभी पदों की भर्ती हेतु परीक्षा दो चरणों में होगी, यानी कि जो आपका एग्जाम है वो आपका दो चरणों में होगा। जो पहला है आपका प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम एग्जाम ऑनलाइन माध्यम से ही होगा, फिर आपका मेन एग्जाम यानी कि मुख्य परीक्षा। अब बात आती है कि जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा है जो कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड होगी 100 अंक के लिए, इसका टाइप कैसा रहेगा? तो आपको बोला है कि प्रथम चरण की प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी जो कि मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के लिए केवल अनुवीक्षण यानी कि स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। यानी कि इसमें आपको ये टेस्ट देना है कि हाँ कौन लोग मेन के लिए एलिजिबल हो पा रहे हैं। बेसिकली इसमें शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट और फिर उनका मेन एग्जाम होगा। यहाँ पर बोला है कि जो प्रारंभिक परीक्षा के नंबर है वो आपके अंतिम चयन में नहीं जोड़े जाएंगे, क्योंकि जैसा कि कहा आपको कि ये क्वालिफाइंग टाइप एग्जाम होगा, इसमें जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो मेन एग्जाम के अंदर जाएंगे। अभी यहाँ पर आपको ये बोला है कि जब आपका एग्जाम डेट आएगा उसके 10-15 दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब आती है परीक्षा केंद्र की बात, तो परीक्षा केंद्र यहाँ पर बोला है कि जो आपके एग्जाम सेंटर होंगे वो जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना एवं उज्जैन सभी या आवश्यकता अनुसार एक या एक से अधिक में एक पाली अथवा आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक पालियों में आयोजित हो सकेगी। यानी कि इन लोकेशन के ऊपर भी मेनली आपका एग्जाम सेंटर होने वाला है। बाकी की डिटेल आप से रीड कर सकते हैं क्योंकि रीड करना काफी आवश्यक है, बट मैं आपको यहां पर मेन इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अब आता है आपका जो प्रीलिम एग्जाम है इसका पैटर्न। तो इसमें दोस्तों जो आपके सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए जिनसे आपके क्वेश्चन आएंगे, तो पहला है आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस। इसके अलावा इसमें आपकी जो डिटेल्स इंक्लूड की गई है वह है आपका जीके ऑफ एमपी, यानी कि मेनली इसमें जो मध्य प्रदेश की जीके है वो भी इंक्लूड की गई है, उससे आपके ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपके 30 क्वेश्चन होंगे और उसके लिए आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। फिर सेकंड सब्जेक्ट है आपका मैथ प्लस रीजनिंग, इससे आपके 20 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए आपको 20 नंबर ही दिए जाएंगे। फिर आता है आपका जनरल हिंदी, इससे आपके 10 क्वेश्चन होंगे और उसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद है इंग्लिश नॉलेज, इसके लिए 20 क्वेश्चन और 20 नंबर आपको दिए जाएंगे। फिर है आपका फिफ्थ पॉइंट कंप्यूटर नॉलेज, इसके लिए आपको 20 क्वेश्चन और 20 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं जिसके लिए आपको 100 नंबर दिए जाएंगे। एग्जाम करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। परीक्षा की तिथि, समय व परीक्षा केंद्र हेतु चयनित स्थानों की जानकारी उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको टाइम टू टाइम बता दी जाएगी। अब यहाँ पर आपने जाना। इसके अलावा दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या इसमें निगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके प्रीलिमिनरी एग्जाम के अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिटेल चेक की है तो मुझे कहीं पर भी प्रीलिमिनरी एग्जाम से रिलेटेड निगेटिव मार्किंग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इसका मतलब ये हो जाता है कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं है, बट अगर कुछ भी आगे अपडेट मुझे मिला तो मैं आपको अपडेट करूंगा। अभी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है, और ये जानकर के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जिन कैंडिडेट के अंदर एक तुक्का मारने की एक अद्भुत कला है उस कला का वो यहाँ पर खुल करके उपयोग कर पाएंगे और उनको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। अभी आपने जाना प्रीलिमिनरी एग्जाम का पैटर्न, इसके बाद मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, बट पहले आप यहां पर जो मेन एग्जाम है उसका पैटर्न भी जान लीजिए। यहां पर जो आपका मुख्य परीक्षा यानी कि मेन एग्जाम है, इसके लिए भी 100 अंकों की होगी ये परीक्षा, यानी कि आपको मैक्सिमम 100 नंबर दिए जाएंगे। जो मुख्य परीक्षा केंद्र है उसके बारे में यहां पर आपको जानकारी दी गई है। इसके अलावा पैटर्न आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके स्टेनोग्राफर ग्रेड 2-3 एंड कोर्ट मैनेजर स्टाफ की पोस्ट है, इस पर जो सब्जेक्ट है जिनसे आपका बेसिकली पेपर होने वाला है ये वो है आपका हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन ऑफ 400 वर्ड्स अप्रोक्स, ये आपका 400 वर्ड्स का आपको लिखना होगा, प्लस ट्रांसक्रिप्शन टाइपिंग, ये आपका टेस्ट बेसिकली होने वाला है, ये कोई लिखित परीक्षा नहीं है, यानी कि जो पेन पेपर वाली होती है ये आपकी वैसे टाइप की परीक्षा है जिसके लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पर टाइम आप देख लीजिए 5+30=35, यानी कि आपको 35 मिनट का मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा। बाकी के जो आपका ग्रुप बी है असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट, इस पर आपकी हिंदी टाइपिंग होगी जिसमें कि आपको अप्रोक्स यानी कि कम से कम 350 वर्ड्स लिखने होंगे। साथ ही आपका डायरेक्ट डिक्टेशन टाइपिंग होगा जो कि 400 वर्ड्स के लिए होगा, इसमें आपको 30+70=100 इस प्रकार से नंबर दिए जाएंगे, 30 पहले के लिए और सेकंड के लिए 70, 10+10 यानी कि मैक्सिमम आपको यहां पर 20 मिनट दिए जाएंगे। इसके लिए असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए यहां पर आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफी डिक्टेशन में 400 वर्ड लिखने होंगे, प्लस ट्रांसक्रिप्शन टाइपिंग होगा, इसके लिए आपको टोटल 100 मार्क्स दिए जाएंगे, 5+30 इस प्रकार से आपको टाइमिंग दी जाएगी इस टेस्ट को करने के लिए। इसमें यहां पर दोस्तों
स्टैट से संबंधित कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इन पॉइंट्स को आप रीड कर लीजिएगा कि किस तरह से पॉइंट्स आपके ऊपर लागू होने वाले हैं एग्जाम के टाइम, जो कि मेन एग्जाम आपका होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मूल्यांकन की बात करें, इसमें आपको बोला है कि शीघ्र लेखक ग्रेड 2 ये आपकी पोस्ट का नाम है। मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में प्रत्येक त्रुटि जैसे कि गलत शब्द वर्तनी स्पेलिंग त्रुटि शब्द छूट जाने एवं विराम चिन्हों की त्रुटि आदि पर 1/2 यानी कि 0.50 आधा अंक काटा जाएगा। अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दे कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के समय यदि किसी अभ्यर्थी की 120 से अधिक त्रुटियां पाई जाती है तो आगे उसकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं करते हुए शून्य अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी कि जिसके मेन एग्जाम के अंदर 120 गलतियां पाई गई फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आगे की डिटेल उसकी चेक ही नहीं की जाएगी। तो आपने यहां पर पैटर्न के बारे में जान लिया, अब मैं आपको सिलेबस के बारे में बताता हूं। तो दोस्तों जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी प्रीलिमिनरी एग्जाम के अंदर, उसके अंदर जो टॉपिक्स है जिनसे आपके क्वेश्चन तैयार होंगे, यह है आपका वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां तथा शब्दों के शब्द रूप शब्दों के स्त्रीलिंग बहुवचन किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन मुहावरा व उनका अर्थ अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप विलोमार्थी शब्द समानार्थी व पर्यायवाची शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहावतें व लोकोक्तियां के अर्थ संधि विच्छेद क्रिया से भाववाचक संख्या बनाना रचना एवं रचयिता इत्यादि, ये आपके टॉपिक्स होने वाले हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो इसमें आपके जो टॉपिक्स होंगे जिनसे क्वेश्चन तैयार आए होंगे वह है आपका एनालॉजी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस स्पेशल विजुअलाइजेशन स्पेशल ओरिएंटेशन विजुअल मेमोरी डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्वेशन रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन अर्थमेटिक नंबर सीरीज नॉन वर्बल सीरीज कोडिंग एंड डिकोडिंग ETC। इसके अलावा जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस की बात करें तो इसमें आपके जो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन तैयार होंगे वह है आपका स्पोर्ट्स हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी इकोनॉमिक स्कीम जनरल पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड स्पेसिफिक रिसर्च ETC। ये क्वेश्चंस का जो मेन फोकस रहेगा, जैसे कि पैटर्न के अंदर भी बोला है कि जो MP की जनरल नॉलेज है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होने वाला है। तो यहाँ पर आपने इसके बारे में जानकारी जान ली है, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट रह गया है तो आप वो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे ही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।